नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है जब ससुर जी ने दिया पैसों का लालच। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। निहारिका आज बुझे मन से कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। कॉलेज जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन परीक्षाएं नजदीकी थी इसलिए उसे मन मार कर कॉलेज जाना पड़ रहा था। घर से निकलते हुए उसके पिता ने उसे क्रोधित नेत्रों से घूर कर देखा और उसकी माँ ने भी उससे कोई बात नहीं की। निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। वो इतने प्यार करने वाले माता पिता के दुख का कारण बनी हुई थी, यह सोचकर उसे रोना आ गया। कॉलेज में भी वो बहुत अनमनी सी थी। उसने दूर से देखा कि विक्रम उसकी ओर चला आ रहा था। विक्रम को देखते ही निहारिका अपनी नजरें चुराने लगी, लेकिन विक्रम कहाँ छोड़ने वाला था। वो झट से आकर निहारिका के सामने खड़ा हो गया। निहारिका ने बोला, विक्रम हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। विक्रम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, निहारिका तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। वो भरे गले से बोली, कल शाम तुम्हारे पापा के आदमी मेरे घर पर आए थे, वो हमें धमका रहे थे। देखो तुम्हारी और हमारी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसे में हमारा मिलना असंभव लगता है। विक्रम उसे समझाते हुए बोला, तुम ऐसे मत कहो प्लीज, मैं पिताजी से बात कर लूंगा, उन्हें मना लूंगा। उन्हें तो सब पर शक होता है कि सब उनकी धन दौलत हड़पने के लिए ही उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। हम तुम तो एक दूसरे की आर्थिक स्थिति के बारे में शुरुआत से ही जानते थे ना, फिर यह सब कहकर तुम हमारा रिश्ता इस तरह से खत्म नहीं कर सकती हो। निहारिका ने लाख कोशिश की कि वह विक्रम से दूर चली जाए, लेकिन प्यार तो वह भी उससे करती थी और ऐसी बेतुकी बात पर वह अपने प्यार को खोना भी नहीं चाहती थी। वैसे भी वो सच में थोड़ी ना उसके पिता के रुपयों के चक्कर में विक्रम के आगे पीछे घूम रही थी, वह तो दिल से उसे चाहती थी। विक्रम ने अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। वह चाहते थे कि विक्रम उनकी पसंद की गई लड़की से ही विवाह करे। आखिरकार 4 सालों तक कोशिश करने के बाद विक्रम ने निहारिका के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया। निहारिका के घर वाले तो मान गए, इसलिए विक्रम ने सोचा कि अब तो पिताजी उन्हें अपना ही लेंगे। लेकिन उसके पिता प्रभाकर जी आग बबूला हो गए और उन्होंने निहारिका और विक्रम को घर से निकालते हुए कहा, तुम दोनों को मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। फिर निहारिका की ओर घूरते हुए कहने लगे, तुमने मेरी जायदाद के लिए ही मेरे बेटे को फंसाया है ना, अब देखना, अब आटे दाल का भाव मालूम होगा। अब जाओ जियो अपने प्यार के सहारे। विक्रम की माँ भी कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी रो रही थी। उनका तो मन था कि वो अपनी प्यारी सी बहू का स्वागत करके उसे घर के भीतर ले आए। आखिर विक्रम उनका इकलौता बेटा था और उन्हें बेटे की पसंद पर कोई शक नहीं था, लेकिन पति के फैसले के आगे मुंह खोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। निहारिका और विक्रम मन महसूस कर पिताजी के दरवाजे से वापस लौट आए और एक किराए का मकान लेकर रहने लगे। निहारिका और विक्रम दोनों ही जॉब करने लगे थे और उनकी गृहस्थी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। एक दिन निहारिका ऑफिस में व्यस्त थी कि तभी उसके ससुर जी का फोन आया। निहारिका तो बड़ी प्रसन्न हुई कि आज इतने दिनों के बाद उसके ससुर जी ने उसे याद किया है। उसने लपक कर फोन रिसीव किया तो उधर से उसके ससुर जी की गंभीर आवाज सुनाई दी, सुनो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, क्या शाम को तुम उसे अकेले में मिल सकती हो। निहारिका खुशी से बोली कि जी जरूर, बताइए कहाँ मिलना है। उसके ससुर जी ने एक रेस्टोरेंट का पता देते हुए कहा कि तुम अकेले आना और विक्रम को इस बारे में मत बताना। निहारिका असमंजस में पड़ गई कि आखिर उसके ससुर जी उससे क्या कहना चाहते हैं। बड़ी ही व्यग्रता से उसने शाम तक का समय गुजारा और ऑफिस की छुट्टी के बाद उसने अपना पर्स उठाया और रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ी। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही उसने देखा कि उसके ससुर जी एक टेबल पर बैठे हुए थे। उनके पास जाकर वह उनके पैर छूने लगी तो उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और सपाट स्वर में बोले, बैठो। निहारिका बैठ गई तो उसके ससुर जी ने कहना शुरू किया, सुनो मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानता हूँ, मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, बस एक बार मेरी बात मान लो मैं तुम्हें पैसों से लाद दूंगा। तुम शर्माओ मत, जितने रुपए और जमीन जायदाद चाहिए बेझिझक बताओ, हाँ लेकिन ये बातें मेरे बेटे को पता नहीं चलनी चाहिए। निहारिका को ससुर जी की बातें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। उसने असमंजस भरे स्वर में कहा, मैं कुछ समझी नहीं।
उसके ससुर जी व्यंग से बोले, क्या समझी नहीं, तुमने मेरी धन संपत्ति देखकर ही विक्रम को जाल में फंसाया था ना, तो बोलो कितना चाहिए तुम्हें विक्रम को छोड़ने के लिए। तुम मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ और मैं तुम्हें मुंह मांगे कीमत दूंगा, निहारिका ने अपने क्रोध को दबाते हुए कहा। ससुर जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप ये सब क्या कहे जा रहे हैं, मैं विक्रम से प्यार करती हूँ, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मैं खुद जॉब करती हूँ और हम दोनों मिलकर इतना तो कमा ही लेते हैं कि अपनी गृहस्थी अच्छे से चला सके। मैंने तो सोचा था कि आप हमें अपना लेंगे तो हमें भी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन मैं गलत थी, बोलते हुए निहारिका का गला रुंध गया। वो उठकर जाने के लिए खड़ी हुई, तभी प्रभाकर जी का स्वर गूंजा, रुको बहू, मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस तुम्हें परख रहा था। जानती हो, जब से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तब से मैं ऐसे ही लोगों से घिरा रहा जो बस मेरे पैसों के लोभ में मुझसे जुड़े रहना चाहते थे। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं विक्रम के लिए अच्छा रिश्ता कहाँ से ढूंढ पाता, सब अपने अपने रिश्तेदारी में विक्रम के विवाह के लिए जोर डाल रहे थे, ऐसे में तुम उसकी जिंदगी में आई और विक्रम ने मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमसे विवाह कर लिया। मुझे तुम पर थोड़ी सी शंका तो थी कि तुम्हें भी पैसों का लालच होगा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आज मेरी परीक्षा में तुम खरी उतरी हो। चलो बहू, अपने घर चलो, आज मैं तुम्हें और विक्रम को साथ लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। अपने ससुर जी की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आई और उसने तुरंत अपने ससुर जी के पैर छू लिए। प्रभाकर जी ने बहू के सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया और कुछ ही घंटों के अंदर वो अपने बेटे बहू के साथ अपनी बड़ी सी हवेली की ओर चल दिए। विक्रम भी खुश था कि उसके पिता ने उनके प्यार को समझकर अपना आशीर्वाद दे दिया। आज प्रभाकर जी की हवेली में चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई थी, उनकी पत्नी भी बहुत खुश थी, बहू के रूप में उन्हें बिल्कुल लक्ष्मी मिल गई थी। दोस्तों, पैसे तो जीवन में कोई भी मेहनत करके कमा सकता है, लेकिन यदि किसी कारणवश इंसान सच्चे रिश्ते खो देता है तो उसकी भरपाई सारी जमा पूंजी लुटाने के बाद भी नहीं की जा सकती है। पैसे को जीने के लिए जरूरी समझना तो चाहिए, लेकिन पैसों को रिश्तों और जिंदगी से बढ़कर नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग अपने बच्चों से बढ़कर पैसों को महत्व देते हैं, उन्हें लगता है कि यदि उनके पास पैसे हैं तो उन्हें किसी भी रिश्ते को संजोकर रखने की क्या जरूरत है। वे रिश्तों को संवारने में मेहनत करने की बजाय पैसे की ताकत पर घमंड करते रह जाते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशी तो अपनों के साथ ही मिलती है। आपके क्या विचार हैं? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।